हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा। गाइस, आज हमारी क्लास 2 है और जिसमें हम सीखने वाले हैं ड्रेस मेकिंग। आई होप कि आपको मटेरियल जो रिक्वायर्ड है आज की क्लास में, उसकी लिस्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कराया था, तो आपको रिसीव हो गई होगी और आप लोग ने वो सारा का सारा सामान आई थिंक अब रखा होगा। गाइस, आप भी नहीं सोच सकते मैं इतनी प्ले वे मैथड में, इतने इजी स्टेप्स में आपको एक अच्छा सा एक टॉप बनाना बता दूंगी कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि वो आप लोगों ने बनाया है। मेरी कोशिश ये रही कि अगर जो लोग सामान लेके बैठे हुए, जैसे मैंने आपसे मंगवाया था 2 मीटर फैब्रिक, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि अगर आपके पास में फैब्रिक नहीं अरेंज हो पा रहा है तो आप कोई भी पुरानी साड़ी या पुरानी बेडशीट को यूज़ कर सकते हैं। अभी आप सीख लीजिए, जब लॉकडाउन वगैरह सब ख़त्म हो जाए तब आप इसको फ्रेश पीस में बना लीजिएगा, ये वाला जो आपका पूरा ड्रेस होगा। और बहुत ही अच्छा और इजी वे में बहुत ही क्विक तैयार होने वाली ये ड्रेस है, जिसे सीख करके आप या तो खुद यूज़ कर सकते हैं, खुद वेयर कर लीजिए, या फिर आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और आप इसमें आपको जो रिक्वायरमेंट है 2 मीटर फैब्रिक, मैंने ये फैब्रिक मेरे पास था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, एंड मिल्टन चॉक एंड पेंसिल वगैरह, ये तो जो आपको चाहिए था, स्केल एंड मेज़र टेप तो बहुत मस्ट है किसी भी डिज़ाइनर के लिए, टेलर के लिए, ड्रेस मेकर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेज़र टेप, आप इसको इंच टेप भी बोलते हैं, एंड दिस इज़ फ्रेंच कर्व। तो ये हमें सेट स्क्वायर वगैरह तो अलग अभी आज यूज़ नहीं हो रहे हैं, दिस इज़ व्हील, आप इसे इससे आप दूसरे कपड़े पर ट्रेसिंग व्हील बोलते हैं, इसको ट्रेस करने के यूज़ में होता है। एंड थ्रेड एंड नीडल, जैसे कि सिंपल मैं आपके लिए, मैंने स्विंग मशीन, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है तो आप लोग स्विंग मशीन की नीड नहीं है, आपको हैंड से ही स्टिच करना है। गाइज, आप हैंड स्टिच करेंगे, दिस इज़ सिंपल थ्रेड। वाइट थ्रेड मैंने इसलिए यूज़ किया है इसमें, इस क्योंकि मैं इसको आपके सामने ये रनिंग स्टिच यूज़ करूँगी इसको स्टिच करने के लिए, और जिससे ये बाद में निकाल दिया जाएगा ये थ्रेड। और सिंपल ये जो आप तुरपन वाली जो सुई है उससे आप इसको स्टिच करेंगे। तो मैं बहुत ही इजी ड्रेस आपको बताने जा रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दूँ मैं क्या बना रही हूँ, और आई थिंक सब लोग आ गए होंगे। तो क्या है इसमें, आपके पास ये पैड होना बहुत ज़रूरी है गाइस। इसमें सारा का सारा आप ऐसे रफली कुछ आइडिया जो भी है उसको बना सकते हो। थोड़ा सा जो पैटर्न है वो ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देती हूँ मैं किस तरीके से इसको बना रही हूँ, और एक पेपर आपके पास हो तो आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए। एक सिंपल रफली पैटर्न हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, एंड देन हम जो मेज़र आपको बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आप इस फैब्रिक पर बनाएंगे। और दिस इज़ चैलेंज फॉर यू, जितने भी सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही चैलेंजेबल वर्क है कि आप लोग मेरे सामने बैठ करके मेरे साथ ये वाला टॉप बनाने वाले हैं। और बहुत सिंपल है, आई थिंक बच्चे भी हैं, गर्ल्स भी हैं, वुमेन्स भी हैं, वर्किंग वुमेन्स भी हैं, एंड हाउस मेकर भी हैं, तो सब लोग रेडी हो जाइए और ये क्विक ड्रेस हम लोग मिल करके तैयार करते हैं। और कल इसी ड्रेस को अगर आपको मेरे सामने बैठ करके बनाना है, आज सीख लीजिए आप, राइट, बट तैयार मेरे सामने बैठ कर के करेंगे, किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं कैमरा यहाँ पे फोकस करा लेती हूँ, मैं पैटर्न बनाती हूँ एंड देन फिर हम कटिंग करेंगे। जल्दी जल्दी से, बस रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी वॉक स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए कैमरा यहाँ फोकस कराते हैं गाइस।
ओके गाइस, तो देखिए मैं कुछ ये इस तरीके से ड्रॉ करने वाली हूँ गाइस। गाइस मैं आपको दिखा दूँ मैं क्या बनाने वाली हूँ। बहुत सिंपल ड्रेस है और मैंने किस तरीके से आपके लिए ये मेरे साथ बैठ के बनाएंगे आप। ये हम पहले वी शेप रखने वाले हैं, ठीक है। नेक लाइन को क्या रखने वाले हैं, वी शेप, एंड दिस इज़ टी शर्ट टाइप, ठीक है गाइस। कुछ इस तरीके से हमारा ये रहेगा, ड्रॉ कर लीजिएगा आप भी। ये बैक नेक लाइन है, ये इस तरीके से रहेगा। और ये जितना फ्री आपको स्लीव्स रखनी है, ठीक है, जितनी फ्री स्लीव्स रखनी है आप रख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए सिंपल, ये टॉप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ये वाली मैं यहाँ पे एक बेल्ट देने वाली हूँ इसमें, और यहाँ पे मैं इसमें एक बो टाई देने वाली हूँ गाइस। एंड आप चाहें तो एक यहाँ पर भी रख सकते हैं बो टाई, और एक यहाँ भी आप इसमें ये इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसकी इस वाले टॉप की हम कटिंग करते हैं। यहाँ पे एक बेल्ट जाएगा गाइस, ये देखिए किस तरीके से मैं बेल्ट दूंगी और क्या रहेगा। और एक यहाँ से जो है हम इसको एक टाई देने वाले हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर जो इसमें यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो ये वाला जो स्लीव्स होंगी इसमें भी हम कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये स्लीव्स हैं हमारी, यहाँ पर भी हमारे कुछ इस तरीके का ये टॉप बन करके रेडी होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले फैब्रिक का मैं बता देती हूँ क्या होना है। ये फैब्रिक है, इसको अब सबसे पहले मैं इसको इसका मेज़र करके मैं आपको बता देती हूँ कितना बड़ा फैब्रिक है ये गाइस। ये देखिए ये जो इसकी लेंथ है गाइस, ये पूरा 28 इंच में, इस फैब्रिक की जो ग्रीन वाला फैब्रिक आप देख रहे हो ये 28 इंच लेंथ है इसकी गाइस। लंबाई कितनी है इसकी, लेंथ इसकी है 28 इंचेस। और इसकी जो इसको डबल कर दीजिए, 28 को आप डबल कर दीजिए गाइस, 28 को आप डबल करिए, आगे पीछे का दोनों निकल आएंगे गाइस, 56 इंचेस, राइट गाइस। तो इसमें से ये पूरा हो जाएगा, और इसी में से हमें, इसी फैब्रिक में से हमें बेल्ट्स निकालनी है, टाई निकालनी है। और किस तरीके से निकालेंगे वो मैं आपको पूरा बता दे रही हूँ ड्रेस मेकिंग में। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हम कटिंग करते हैं गाइस, पहले तो मैं सारा सामान एक किनारे कर देती हूँ। ये देखिए किस तरीके से मैं, ये बहुत इजी वे में मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप लोग भी अपने घर पर बैठ करके इसे बना सकें। ये मैंने इस तरीके से इसको 4 फोल्ड किए हैं गाइस, ये देखिए मैंने इसको ना 4 लेयर हैं, आप देखिए 1, 2, 3 एंड 4, देखिए 1, 2, 3 एंड 4, 4 लेयर में इसको डिवाइड कर लिया। पहले मैंने इसको लेंथ वाइज फोल्ड किया, एंड देन क्रॉस वाइज लेंथ, क्रॉस वाइज इसको मैंने फोल्ड किया है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है गाइस, सबसे पहले हमें मेज़र टेप को यूज़ करके नेक लाइन को गाइस, अब सबसे पहले देखिए मैंने कुछ, आप अपना मेज़र ज़रूर एक बार अपने मेज़र के अकॉर्डिंग बनवाइएगा। ये मैं जो मेज़र कर रही हूँ, मैंने जिस हिसाब से बनाया मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है गाइस। सबसे पहले हम इसका नेक लाइन करेंगे गाइस, ये देखिए मैंने 3 इंच पर, ये यहाँ पर मेज़र करने वाली हूँ 3 इंच, एंड नीचे मैं इसको 1 पॉइंट, पेंसिल से मैं आपको दिखा देती हूँ, 1.5 मैंने इसका नेक लाइन लिया है 3 इंच,
एंड डेप्थ ली है नेक लाइन की 1.5 इंच। ठीक है गाइज, अब हम सी दिस, ये इससे हम प्रॉपर शेप में हमारा नेक लाइन आता है सेट स्क्वायर से, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। ठीक है गाइज, अब इसमें हमें क्या करना है, ये नेक लाइन हो गया। आप अगर बोट नेक करना चाह रहे हैं इसमें, अगर बोट नेक करना चाह रहे हैं तो उसमें 1 इंच और प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, 1 इंच प्लस करके आपका बोट नेक तैयार हो जाएगा। ये सिंपल वाला नेक के लिए है 3 इंचेस, बोट नेक के लिए 4 में लेना है आपको, और 1.5 इंच पर आपको इसकी डेप्थ देनी है। अब हम इसको जो हमारा ये फ्री साइज में रहेगा गाइज, यहाँ पर हम इसको 8 इंच पर मार्क कर लेंगे नेक लाइन से। सी दिस गाइस, नेक लाइन से लेकर के ये मैंने 8 इंच पर मार्क किया है, और इसको डाउन करेंगे 2 इंचेस, यहाँ से 2 इंचेस मैंने डाउन किया। सी दिस गाइस, और ये वाला जो है मार्क इसका, सी दिस गाइस, ये यहाँ से देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा इस तरीके से, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको स्लोप डाउन दिया, एंड इसके बाद में 8 इंचेस डाउन। सी दिस गाइस, 8 इंचेस डाउन हियर। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितना इसको चौड़ा रखना है, क्योंकि हम स्लीव्स इसी में निकाल रहे हैं तो हमें ये वाली चौड़ाई बढ़ा देनी है। ये वाली हमारी सिंपल वाली कटिंग थी, बट अब हम इसको क्या करेंगे, हमें ये थोड़ा और ब्रॉड चाहिए, इसमें से हमारी स्लीव्स भी जानी है गाइस, जिसमें से हमारे शोल्डर्स कट नहीं होंगे, हमारी स्लीव्स कट होंगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से नेक लाइन से इसे मार्क करते हैं, सी दिस, बहुत सिंपल वे में मैं आपको बता दे रही हूँ, बहुत ही सिंपल वे में, अगर हम इसको, तो ये हमारा 18, इसमें हमारी स्लीव्स भी एड ऑन होगी। सी दिस गाइस, ठीक है, इसमें हमने स्लीव्स भी एड ऑन किया है, और इसको यहीं से अब हमें, ये देखिए यहाँ से स्लोप करना है, क्योंकि हमारी स्लीव्स थोड़ी सी यहाँ से, देखिए ये इस तरीके से 1.5 पर हमने यहाँ इसको दिया, और 2 इंचेस डाउन, फिर अब हमने यहाँ से 8 इंचेस डाउन। अब यहाँ से देखिए ये इसका, ये पूरा यहाँ हमने इसको स्ट्रेट रखना है गाइस। अब इसमें हमें यहाँ पर 1 इंच पर देखते जाइएगा, 8 इंच के बाद में हमने यहाँ इसका 1 इंच पर ये पॉइंट बनाया है। अब यहीं से हमारी स्लीव्स का जो है कटिंग हो जाएगी, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना साइज रखना है, आप अपना मेज़र इसमें ज़रूर एड ऑन करिएगा। अब इसमें ये पूरी लेंथ हम, सी दिस, अब इसका जो पैनल है, पैनल तैयार हो करके नीचे, ये देखिए पूरा पैनल हमारा ये 18 है, तो हमें पूरा यहाँ से इसको मिला देना है, ये ए लाइन में ही रहेगा ध्यान से। ओके गाइस, ये पूरा इस तरीके से ए लाइन में चला जाएगा, और आप अगर इसको कम रखना चाहते हैं तो ये यहाँ से कम इस तरीके से हो जाएगा, और ये हमारे जो है स्लीव्स का जो हमने ऊपर लगाते हैं निशान, वो नीचे आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, कटिंग पार्ट रेडी होने के बाद में हम इसको जल्दी से स्टिच कर देंगे। इसका फ्रंट और बैक का नेक थोड़ा डिफरेंट होगा, ओके गाइस। तो आप लोग आई थिंक इतनी कटिंग सीख गए होंगे, तो अब देखिए इसको मैं किस तरीके से कट करती हूँ। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से
ये बस कट करते जाएंगे गाइस। नीचे वाला कपड़ा थोड़ा कैमरा फोकस करते हुए मैंने अपने सिज़र को अच्छे से धार भी लगवा ली है और कटिंग बहुत अच्छे से हो रही है गाइस। ये देखिए ये हमारे स्लीव्स का शेप यहीं से आ जाएगा। ठीक है ये इस तरीके से और ये बन गया है। अब हम इसको फ्रंट में से अलग अलग कर लेंगे क्योंकि हमें नेक लाइन में टाई देनी है। तो पीछे का जो हमारा नेक है वो थोड़ा कम रहेगा और सामने का मैं वी शेप करने वाली हूँ। ठीक है ये हमारा पहले हम बैक साइड का ये हमारा इसमें वी शेप जाने वाला है। अब देखिए किस तरीके से मैं इसको ये डिपेंड करता है कि आप कितना रखेंगे 6.5, 6.5 या 7 इंचेस ये डिपेंड करता है गाइज आप लोगों पर कि आप लोग किस तरीके से नेक को ड्रॉ करना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं ये आपके लिए है। ठीक है मैं नॉर्मली जो एंड यहाँ से कुछ इस तरीके से ये देखिए और इसको ये पूरा इस तरीके से मैंने कट किया। ये वी शेप आया और बैक साइड का जो है हमें ये देखिए जिस पे हमने मार्क किया था ये अब हमारा बैक साइड का नेक हो जाएगा। अभी मैं सबके डाउट्स भी क्लियर करूंगी गाइस। सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। पीछे का आपके अकॉर्डिंगली इसमें डेप्थ देंगे ₹1.5 पर मैंने इसको दिया था। अब मैं कैमरा सामने करा लेती हूँ और आपको बताती जाती हूँ किस तरीके से मुझे ये पूरा रखना है स्टिच होना है। अब गाइस जल्दी से बस इसको हम स्टिच करते हैं चलिए। और ये वाले जो हमारे पास फैब्रिक बचा है इसमें से हम नीचे के लिए बेल्ट तैयार करेंगे। थोड़ा पतला ही बेल्ट रहेगा ये पूरा बेल्ट मेरा नीचे के लिए जो पैनल है उसमें काम आएगा ये वाला। इसी से यूज़ करके मैं नीचे वाला बनाने वाली हूँ और इसको हम सीधा कर लेते हैं पहले और स्लीव्स और इसमें से ही टाई बनेंगी गाइस। इस तरीके से आप चाहें तो स्लीव्स में लगा सकते हैं अदरवाइज इसकी आप टाई दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगेगा। जिसको समझ नहीं आ रहा ना वो कल डाउट क्लियर करेंगे। चलिए अब मैं हाँ कैमरा अपने सामने करा लेती हूँ और आपके सामने फोकस करके ही इसको स्टिच करती हूँ। आप लोग देखते जाइएगा। गाइस सबके डाउट्स मैं बाद में क्लियर करूँगी पहले मैं आपको सिखा दूँ मुझे क्या बताना है। मैं ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ आप लोग खुद बना सकते हो। इसको स्ट्रेट करके आप अच्छे से ये देखिए कुछ इस तरीके से पूरी ये पूरा बेल्ट का पार्ट नीचे के लिए ये इससे निकल जाएगा। अब ये किस तरीके से होगा जो भी कट्स हैं ये सब उसमें अरेंज इसमें आ जाएगा और किस तरीके से होगा मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ भी आपको मार्क ज़रूर कर लीजिएगा। मार्क करिएगा सी
इस तरीके से ये हमें सीधा करनी है। ये वाला जो फैब्रिक है इसको सीधा कर लीजिएगा इस तरीके से। ये बहुत सुंदर टॉप बनेगा। आप जीन्स पे, स्कर्ट पर आप बहुत अच्छे से इसको पहन सकते हैं, शॉर्ट्स पर, इवन शॉर्ट्स पर भी कैरी कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये इस तरीके से। अब जिनके पास मशीन है वो मशीन से सिल लीजिए, वो लोग मशीन से भी कर सकते हैं इसको, और जिनके पास मशीन नहीं है वो लोग हैंड से करिए। इसको इस तरीके से डबल करके देखिए, इस तरीके से डबल कर लीजिए, और डबल करके ये पूरी की पूरी इसको तैयार कर लीजिए। ये इस तरीके से, ये नीचे के लिए टाई करने के लिए, ये तो हमारी हो जाएगी नीचे के लिए। अब इससे हम बनाएंगे ये वाला एक्स्ट्रा साइड जो थी, उससे हम टाई बनाएंगे, जो हमारा नेक है उसको तैयार करेंगे। उसके लिए हम थोड़ी पतली पट्टी करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी पतला कटा है, और इसी में से हम यूज़ करके पूरा कपड़े को बना रहे हैं गाइस। इसको हम सीधी कर लेते हैं पहले, और बनाते जाते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मेरे मास्टर जी साथ में होते तो मैं उनको स्टिच होने के लिए दे देती, वो जल्दी जल्दी इसको स्टिच करते और मैं जल्दी से आपसे बातें करती, बट मास्टर जी नॉट अवेलेबल टुडे, लॉकडाउन है, शॉप बंद है, बुटीक बंद है, और अब मुझे ही सब बताना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही मास्टर जी बन जाती हूँ आज। अब वो इस तरीके से इसको सीधा करके कट कर लीजिए। ये ऐसे नेक लाइन के हिसाब से बस इस तरीके से ये सीधा होता जाएगा गाइस, और बहुत सुंदर ड्रेस आपकी ये तैयार हो जाएगी। मैं डमी, जब इसकी फ़ोटो भी मैं आप लोग को सेंड करूँगी टेलीग्राम ग्रुप पर, आप लोग अच्छे से जब ये तैयार हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, अपने लिए खुद बनाइए इस ड्रेस को। ये देखिए, ये हमारा जो है टाई के लिए है, इससे हम टाई बनाएंगे, क्योंकि हमें इजी रहेगा बांधने में, तो इस तरीके से ये टाई में आ जाएगा, और डबल करके ही बनाएंगे। स्लीव्स के लिए आप चाहें तो स्लीव्स इसको ऐसे ही फोल्ड कर देते हैं, और ये टाई नीचे की बेल्ट, और स्लीव्स में हम कुछ बो लगा दिया जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए तो इसको हम बना लेते हैं जल्दी से। ये देखिए, पहले सबसे पहले क्या करना है गाइस, नीचे का ये वाला पार्ट। अब इन दोनों को, स्लीव्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, अटैच कर लीजिए, फ्रंट एंड बैक लाइन अटैच इस तरीके से। कहाँ से अटैच होगा, ये शोल्डर पर से, यहाँ से ये इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा। चलिए तो इसको अटैच कर लेते हैं, मैं इतने कैमरा करती हूँ तो मैं अटैच कर लेती हूँ जल्दी से। इस तरीके से गाइज, इस तरीके से जल्दी जल्दी कच्चा करके ना दोनों शोल्डर को अटैच कर दीजिए। इस तरीके से कच्चा ही करना है, रनिंग स्टिच इस तरीके से, सी दिस, दिख रहा होगा आप लोगों को ऐसे। और बाकी जिनके पास मशीन है ना, मशीन से कर लीजिए, मशीन से दोनों इसके देखिए इस तरीके से। ओके गाइस, तो ये देखिए इस तरीके से ये मेरा एक शोल्डर जॉइंट, इसे मैंने अटैच कर दिया है, और इसको आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे कट भी कर सकते हैं, बट मैं इसमें यहाँ पर एक नॉट टाई कर रही हूँ, जिससे ये थोड़ा पक्का हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर
थोड़ा सा इसमें जल्दी का काम थोड़ा शैतान का होता है कहते हैं, तो मैं जल्दी कर रही हूँ। ये इधर का भी, अब ये वाला भी शोल्डर आप इसको यहाँ से कर लीजिए। बहुत सुंदर टॉप लगेगा, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इस तरीके के टॉप जीन्स पर पहना जाते हैं। बहुत बहुत टाइप के टॉप्स मैं बनाती हूँ, आप लोग को भी सिखाऊंगी। और इसमें आप चाहें तो एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, इसमें लेस भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हैं। जो भी आपको क्रिएटिविटी आती है उतना यूज़ कर लीजिए। इसमें आप दो कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप इसमें इसके साथ में ये वाला ग्रीन कलर है तो कोई दूसरा कलर इसके कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं बेल्ट के लिए और टाई के लिए गाइस। तो इस तरीके से ये और भी अट्रैक्टिव लगेगा ये वाला टॉप इस तरीके से। यहाँ से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ गाइस, ये देखिए यहाँ पर बस इसको। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये देखिए ये हमारे आगे पीछे से इस तरीके से ये जॉइंट हो गया, यहाँ से अटैच किया। अब बिल्कुल इसके स्लीव्स बहुत ही सुंदर थोड़ा सा इस तरीके से ये यहाँ से, अब स्लीव्स को आप यहाँ से भी, अब मैं जल्दी से करके दिखा देती हूँ क्या करना है। स्ट्रेट कर लीजिएगा फैब्रिक को, बिल्कुल कहीं से ऊंचा नीचा ना रहे, ये ध्यान रखिएगा गाइस स्लीव्स का। मैं मशीन यूज़ कर सकते हैं यस, जिन वो मैंने इसलिए बताया बहुत सारे बच्चों के पास में मशीन नहीं है, आप चाहें तो अभी मशीन बना चला सकते हैं, कल भी चला सकते, कल मेरे सामने मशीन पे बना सकते हैं। ये जो सबसे जल्दी बना के दिखाएगा ना अच्छे से वही विनर होगा। इस तरीके से थोड़ा ये देखिए, अब बस थोड़ा थोड़ा सा ऐसे गाइज, ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए सामने आ कर के बताना, ओह माय गॉड। खैर जाने दीजिए, आप लोग भी इस तरीके की चैलेंज लाइफ में एक्सेप्ट करिए ठीक है। ये मैं कच्चा टाका जल्दी जल्दी कर रही हूँ गाइज, आप इसमें इसके अलावा इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे इंटरलॉक की जिनके पास मशीन है साइड से इंटरलॉकिंग करने के बाद में भी आप इसमें कर सकते हैं ठीक है। तो ये इस तरीके से अब दोनों साइड मेरी ये ज्वाइन हो जाएंगी, यहाँ से मैंने अटैच किया, ये इस तरीके से बहुत सुंदर टॉप मेरा तैयार होगा। और देखिए किस तरीके से आप लोग इसमें दो कलर, आप प्रिंटेड भी ले सकते हैं, ध्यान रहे आप लोग प्रिंट वाला भी फैब्रिक ले सकते हैं। आप लोग इस तरीके से ये बनता चला जा रहा है, और सुई में धागा डालने में किसको प्रॉब्लम होती है गाइस इजीली। ये मैंने दूसरे कलर का धागा इसीलिए लिया कि आप लोग पूरा देख लें और समझते जाएं। यहाँ पे ना आप इसमें ना एक कट दे दीजिएगा, जब आप अपना स्टिचिंग करेंगे ना इस साइड से एक थोड़ा कट देंगे ना, तो जो कि आप नॉचेस जिसे बोलते हैं आप नॉचेस लगा सकते हैं, उससे
परफेक्ट होगा। अब ये देखिए ऊंचा नीचा हो रहा है, मैंने फैब्रिक को इसी तरीके से रखा था, फोल्ड जैसे वैसे काट दिया था। तो अब आपको क्या करना है, इसको नीचे से थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो निकाल देना है गाइस। इस तरीके से कट करना, बराबर कर देना है दोनों, फ्रंट वाला एंड बैक वाला, फ्रंट बैक बराबर कर देना है गाइस। ये देखिए इस तरीके से। इसका पैनल बहुत चौड़ा है क्योंकि इसमें हम डालने वाले हैं अभी गैदर्स। गैदरिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखा दूं। इसके लिए मैं लूँगी एक लंबा सा धागा, ये देखिए वाइट, और ये देखिए ये धागा, और इसमें जिसे चुन्नटे बोलते हैं हिंदी में, चुन्नटे, समझ में आ गया, मज़े आ गए। किसको मज़े आ रहे हैं ये, अर्चना पखूरा पखुरकर, हाँ अब अर्चना पखुरकर। अब इसमें आप गैदरिंग कर लीजिए, चुन्नटे डाल लीजिए। अब चुन्नटे कैसे डालेंगे ये देखिए, इस वाले पार्ट में चुन्नटे डालेंगे ध्यान से, ये देखिए बड़े बड़े लॉन्ग स्टिच ले करके। ओके ये देखिए इस तरीके से, ये नीचे के साइड, और इसको इंच टेप से हम करेंगे। इसको आपको नापना है, ये वाले जो गैदर्स हैं ये आपके जो वेस्ट, आपको कितनी लेंथ है, हिप लाइन पे रखना है या फिर वेस्ट लाइन पे इसकी रखनी है, वहाँ पे आपको इतना मेज़र कर लीजिएगा। उससे 2 इंच ही लूज़ करके, 2 इंच लूज़ रखिएगा जो बेल्ट होगी इससे, ध्यान रहे इस तरीके से। ये देखिए पहले हम नीचे का पार्ट तैयार कर रहे हैं, फिर हम इसका नेक लाइन तैयार करेंगे गाइस। इस तरीके से गैदर्स आप करते जाइए। गाइस मुझे बताइए कि आप मुझे YouTube से क्विट कर देना चाहिए, सिखाना चाहिए फ्री में कि नहीं सिखाना चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेशन में जाके लिख दीजिए। क्या मुझे फ्री में सिखाना चाहिए, क्या मुझे बड़ी बड़ी रकम लेनी चाहिए आपसे सिखाने के लिए, प्लीज़ मुझे आप लोग से जानना है। आप लोग मुझे प्लीज़ बताइए कि क्या मुझे फ्री में सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए, या मुझे आपसे पैसे लेने चाहिए। गिव मी मनी, अ लॉट ऑफ मनी, आई वॉन्ट लॉट ऑफ मनी, सिखाने के पैसे दीजिए तभी तुम मुझे पैसे दो, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगी। क्या करना चाहिए, क्या मुझे YouTube से चला जाना चाहिए, फ्री में नहीं सिखाना चाहिए, क्या मुझे फ्री में सिखाना चाहिए फ्री में सिखाना चाहिए। थैंक यू भट्ट, कौन है भट्ट हिरल, इसके अलावा मैम सिखाना चाहिए। ओके और क्या पैसे लेने चाहिए, तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। क्या करना चाहिए गाइस, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। लोग बाग लाखों रुपए ले लेकर के ना हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं गाइस, पैसा कोई काम नहीं आ रहा है, हवा पानी के लिए भी बहुत बहुत बुरा हाल है गाइस। तो ये हमेशा पैसा नहीं होता है, सब हॉस्पिटल जा कर के सब गुनाहों से तौबा हो जाएंगे, जितने गुनाह आज तक किए हैं ना वो हालात हैं आजकल गाइस, बहुत बुरा हाल है। न्यूज़पेपर उठाइए, कम से कम मौतें, कम से कम पेशेंट्स, ओ माय गॉड, ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस हर चीज़ का अपना हिसाब होता है, अपना एक, मेरा मन नहीं होता है पैसे लेने का, मेरा मन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, पैसा नहीं चाहिए, और जिसको जो बोलना है बोलता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। बट एक चैलेंज तो है कि इस तरीके से कोई सिखा दे तो जो कहें वो हार जाऊं,
सिर्फ खुदा का खौफ खा करके मैं चुप रहती हूँ गाइस, नहीं तो जवाब मुझे भी बहुत अच्छे से देने आते हैं, दे सकती हूँ लेकिन नहीं दे रही हूँ। जब लोगों ने हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बख्शा तो हम क्या ज़ात हैं, हम तो ज़र्रा भर भी नहीं हैं, उनके कदमों की धूल हैं हम तो। जब उन्हें लोगों ने नहीं बख्शा, उन पे कूड़ा फेंका गया, सब कुछ किया गया, जुल्म किए गए, तो हमारे लिए तो लोग गालियाँ भी निकाल सकते हैं, बुरी बात भी कह सकते हैं, तो हम सुन लेंगे, कोई बात नहीं। अगर हमारी किस्मत में यही है सुनना तो हम सुनेंगे सारी चीज़ें, नो इशू। तो देख रहे हैं ना आप लोग गाइस, देखिए इस तरीके से ये गैदर्स हो गए, ये देखिए, ये देखिए। अब इसको मेज़र कर लीजिएगा, जो आपका हिप लेवल है इसकी लेंथ कहाँ तक आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको शोल्डर पॉइंट से, इसकी जो यहाँ से देखिए इसकी जो लेंथ है इसको मेज़र कर लेनी है, यानी ये आपका 27, ये आपका 26 इंच जब रेडी हो जाएगा, ये 26 इंच लेंथ इसकी रहेगी टॉप की। अब आप वहाँ पर अपना मार्क कर लीजिए, आपको कितना लूजिंग चाहिए, लाइक दिस, जैसे ये 26 इंच है तो लूजिंग कितनी चाहिए आपको, जो आप बेल्ट टाई कर रहे हो गाइस। तो जैसे अब ये आ रहा है आपके ना वेस्ट लाइन पे आएगा, तो वेस्ट लाइन को मेज़र कर लीजिए गाइस, वेस्ट लाइन को मेज़र करके, ठीक है। तो जो हिप लेवल है यहाँ पर किस तरीके से आप करेंगे, आप 20 का ही इसको रखिए, 20, ठीक है, बोथ साइड 20-20 इंचेस रह जाएगा, और इसी से आप लूज़ करके इस तरीके से। अब आपको क्या करना है इसमें, ये देखिए बड़ी वाली बेल्ट, सी दिस, ये वाली बेल्ट को हमें अटैच कर देना है गाइस यहाँ पे, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से यहाँ, ये अटैच हो जाएगी यहाँ इस तरीके से, इसको यहाँ अटैच करेंगे, कर देते हैं अटैच जल्दी से, देरी क्या है, पहले हम इसी को बनाएंगे, देखिएगा इस किस तरीके से बनाएंगे, सुई उड़ी हो जाती है, इसको पहले तो हम ये इस तरीके से गैदर्स आ गए अच्छे से। और एक तरीका और है आप, लेकिन उससे ना आपके टॉप की ना लेंथ कम हो जाएगी, आप अंदर इसको ऐसे फोल्ड करके और इसमें आप डोरी बांध सकते हैं और बेल्ट लगा सकते हैं, बट इसका एक अलग से ही आएगा, नीचे वाली बेल्ट का जो इसका जो अट्रैक्शन है वो कुछ अलग ही रहेगा। ओके गाइस, तो हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, बातें करते हैं, पंकज चौधरी वेलकम, देखते भी रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, पिंगा सिंह और सिखाना चाहिए, कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बिल्कुल सही बात, 100% बिल्कुल। अब इसको हम बना लेते हैं बेल्ट को, देखिए बेल्ट इस तरीके से बनाएंगे, ये इसको फोल्ड किया है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे गाइस, बेल्ट आई थिंक आपको बनानी आती होगी ऐसे, ठीक है, या तो बेल्ट मत बनाइए आप, सबसे अच्छा है मैं आपको बताऊं, ये आपके फोल्ड्स भी छुप जाएंगे यहाँ, इसको बस यहाँ से ऐसे ले करके ये दोनों पार्ट्स में, ये देखिए दिखा दूं मैं आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से दोनों साइड में, ये इधर, ये यहाँ पे ये लटक जाएगा, इसमें आप और भी एड ऑन कर सकते हैं जितनी लेंथ आपको चाहिए उतना। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से इसमें अटैच, यहीं से अटैच करते हैं, मशीन पर होती ना अभी तक तो मैं पूरा टॉप सिलकर पहन भी लेती गाइस, बट ये तो सुई से ये दिक्कतें आती हैं। मैं 10 मिनट में ड्रेस तैयार करके पहन के चली जाती हूँ किसी भी पार्टी में मिक्स एंड मैच करके, तो चलिए अब इसको यहाँ
इस तरीके से कितना निकालना है यहाँ पे। आज की क्लास बोरिंग लग रही होगी ना आप लोग को, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें इलस्ट्रेशन पसंद है, स्टिचिंग नहीं पसंद है, बट ये भी एक क्रिएटिविटी है। यहाँ से देखिए ये इस तरीके से, यहाँ से पूरा स्टार्ट कर देंगे बस। मशीन से बहुत अच्छे से ये बन जाता है गाइस। अब इसके जो है हम टाई भी लगा देंगे। और ये वाला सीधा रखिएगा और ये जो ऊपर हैं गैदर्स हैं इसको थोड़ा लूज करके ही रखिएगा। नीचे वाला कपड़ा थोड़ा खींच के जो मैंने इस तरीके से लिया है आप भी ऐसे ही करिएगा गाइस, ये ऐसे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा बनता चला जाएगा डिज़ाइन। यहाँ से बस ये गैदर्स ऊपर ही रखना जिससे आपको आइडिया रहे कि कहाँ पे ये गैदर्स आ रहे हैं। ध्यान रखना नीचे के साइड नहीं रखना, बाकी जब मशीन से करते हैं ना तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है गाइस। ठीक है, एक साइड में तो बेल्ट लग चुकी है, अब दूसरे साइड में और लग जाएगी, फिर इसे फोल्ड कर देंगे। आई थिंक बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ गया होगा और वो कर भी रहे होंगे। अब इसमें आप कितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, ये बेसिक है, इसमें आप कितना क्रिएटिव जिसका सबसे सुंदर लगेगा इसमें, और बस ये पैटर्न यही रहेगा, बट आप क्रिएटिव कितना हो सकते हो इसको लेकर के। तो ये हो जाएगा गाइस, ये देखिए इस तरीके से ये पूरा बनता चला जा रहा है। यहाँ बेल्ट ऐसे हो गई है, अब ये नीचे वाला इसको बना लेते हैं। अब इसमें हम धागा और डाल लेते हैं गाइस। हाँ कल दिखा सकते हैं, कल यही दिखाना है जो डिज़ाइन। समर कैंप में ना एक लिमिटेड चीज़ों को सिखाया जाता है गाइस पूरा, कि आप जो आता है ना उतना, अब एक 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 दिन का या तीन तीन दिन का भी समर कैंप होता है गाइस, तो उसमें ना बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को सिखाया जाता है, बट ये है कि आपने सीखा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली, तो समर कैंप इसीलिए ज्वाइन करते हैं। और छुट्टियां रहती हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, एक कैंप होता है। मैं तो बहुत बिफ़ोर लॉकडाउन हम लोग डिग्री कॉलेजेस में समर कैंप करते थे, बहुत मज़ा आता था, बहुत ही अच्छा लगता था गाइस। बट अब ऑनलाइन कैंप हो रहे हैं, क्या टाइम आ गया है, तो इस तरीके से ये जल्दी जल्दी से मैं भी चाह रही हूँ जल्दी से ये ख़त्म हो और मैं दिखाऊँ आपको ये। तो इस तरीके से ये बनता चला जाएगा गाइस। ये देखिए ये पूरा ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा गैदर्स डाल दीजिए अपने हिसाब से, ज़्यादा ढीला ढाला मत बनाइएगा, थोड़ा फिटेड ही रखिएगा, फिटेड रखेंगी ना तो अच्छा लगेगा और स्मार्टनेस रहती है थोड़ी इसको फिटिंग का।
एक एलिगेंट पार्ट थोड़ा तैयार हो जाएगा। ये नई चीज़ है बिल्कुल, थोड़ा डिफरेंट टाइप का टॉप्स हैं। थोड़ा क्रिएटिव रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए नया नया, तो सही रहता है गाइस। तो ये देखिए, बस अभी तो मुझे मशीन से भी करना है इसको बैठ करके, फिर आप लोग को भेजूंगी ये कैसा बना। अभी तो मैं आप लोग के सामने सिखा रही हूँ। मशीन मैंने इसलिए यूज़ नहीं की, मशीन में शोर बहुत होता है गाइस, फिर वो सही नहीं लगता। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम मशीन यूज़ करने वाली हूँ। मेरा स्टूडियो जल्दी रेडी होने वाला है गाइस, बस कोई कोई दिन जा रहा है। मैं अपने स्टूडियो से आप लोग की क्लास अटेंड कराऊंगी और आप लोग देखिएगा। मैं काफ़ी दिन हो गए हैं स्टूडियो बनते हुए, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये देखिए गाइस, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए, ये आप इसको फोल्ड कर लीजिएगा, ध्यान से इसको फोल्ड करिएगा। ये मैंने फोल्ड नहीं किया है, ये नीचे के साइड है, यहाँ पे ये फोल्ड इसमें ऐसे रहेगा। और यहाँ पे इसमें हम ये देखिए, ये इस तरीके से आ जाएगा, खुला भी जा रहा है निकला भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको बाद में टाइट करूँगी। और अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये देखिए यहाँ पर ले करके ये इस तरीके से, आप चाहें तो इसे ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ये। अब हमें इसमें बो टाई लगा देनी है गाइस, इस तरीके से। जल्दी से हम इसको भी बना के दिखा देते हैं आपको, फिर बातें करते हैं आप लोगों से, सॉल्व करते हैं। जराना परमार फर्स्ट विनर हैं। अच्छा जी, वेरी गुड। आपने मुझे अपना इलस्ट्रेशन ठीक से दिखाया नहीं था जराना, बहुत सारे बच्चों ने किया है। फर्स्ट विनर आई है जराना परमार, फर्स्ट विनर, वेरी गुड, सो क्यूट। आपने भेजा भी नहीं, मेल भी नहीं किया मुझे जराना परमार अपना इलस्ट्रेशन। देखिए इस तरीके से ये यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए। अभी जब मैं इसको यहाँ से लीजिए, बच्चों आजकल बहुत ज़्यादा शादियाँ चल रही हैं और बैंड बाजा बारात मेरे घर के सामने से ही गुजर जाते हैं, तो आप लोग भी आनंद उठाइए बैंड बाजा बारात का, सुन लीजिए। कहीं कुआं पूजन है, कहीं कोई पूजन हो रहा है। ये इस तरीके से पहले हमें क्या करना रहेगा, ये देखिए
ओके गाइस, तो देखिए करना क्या है ना, ये सारा देख रहे हैं ना, ये पीछे से ले करके ऐसे, और इसी में दो बार इसको स्टिच करना रहता है गाइस। यहाँ पे आपको इस तरीके से ये रहेगा, और ये पूरा का पूरा यहाँ से मैंने एक पार्ट इसमें जोड़ा है, एक पार्ट मैं मशीन से करूँगी, ये वो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और ये स्लीव्स होंगी, अब मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट करके, आप चाहें तो इसमें यहाँ भी लगा सकते हैं पूरा, ये पूरा टॉप आपका रेडी हो गया गाइस। बहुत इजी वे में इसको आप जब बनाएंगे तो बहुत ध्यान से बनाइएगा। अभी इसको आपको मशीन चलाना है, मशीन से पूरा इसको फोल्ड कर लीजिएगा नीचे से, और यहाँ भी आप बोटाई लगा लेंगे, तो आपको आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। मैं इसकी फ़ोटो शाम को डालने वाली हूँ अपनी टेलीग्राम ग्रुप पर, आप देखते हैं आप लोग की क्या क्वेरीज हैं। अब ओके बस खोल के दिखा दूँ, मैं तैयार करके भेजूँगी इसको मशीन से, खोल के तो मैं दिखा रही हूँ अभी, सामने आ जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा ये, यहाँ ये इस तरीके से। और आप चाहें तो इसमें यहाँ पे भी आप गैदर्स दे सकते हैं, ये पूरा गैदर्स आप इसमें दे सकते हैं। आई थिंक आप लोग को अब दिख रहा होगा ये ठीक से, अब ये फिनिश है, अनफिनिश्ड है, इसको हम फिनिश करेंगे, और उसके बाद आप ये सिर्फ हमने सुई से किया है, बट हमें अभी मशीन लगाना है इसमें। और बच्चे कितना मीटर चाहिए, बच्चे का कितना मीटर, अब बच्चे की हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू मैम, कल जो गूगल मीट पर क्लास हुआ था, क्या वो फ्री? हाँ सब फ्री है, सीखते रहिए, सब फ्री होगा, डोंट वरी। और
इसके अलावा इसमें अब और कोई क्वेरी आप लोगों की ऐसे गाइस ऐसा कुछ यस मेजरमेंट हाँ लेंथ 26 इंच रखी है इसकी, ध्यान रहे नोट डाउन। 26 इंच मैंने जो इसकी लेंथ ली है, आप अपने हिसाब से 24 इंच का भी ले सकते हैं टॉप, अगर आप थोड़ा ऊंचा पहनना चाह रहे हैं। सबसे पहले लेंथ मेज़र करते हैं, एंड जो इसकी जो ये जितनी भी मेरे पास फैब्रिक की जो ब्रॉडनेस थी, ठीक है, मैंने 20 इंच बोथ साइड पूरा, ठीक है, इस तरीके से ये लिया है, पूरा नाप लीजिएगा। बाकी ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके के हैं। मैं यहाँ नाप कर एक बार मेज़र करके और बता देती हूँ ये कितना है। नीचे से जो मैंने लिया है पैनल जो लिया है इसका, वो 20 इंच है बोथ साइड, पूरा 40 इंच लूज़ है, ये लूज़ है। और इसमें बेल्ट आप चाहें तो 50 इंच लंबी या 60 इंच लंबी, क्योंकि अच्छे से अगर आपको फ्लावर बनाना है तो उसके लिए लॉन्ग कपड़ा जितना ले सकें उतना ले लीजिएगा, वो आप पर डिपेंड है। और ये वाला जो है इसका पूरा मैंने मेज़र जो आपको बताया है यहाँ से स्लीव, अभी इसमें 38 इंच इसका जो यहाँ से स्लीव, जो ये हाफ स्लीव शो होंगी, इसमें शोल्डर कट नहीं किए हैं, राइट, शोल्डर इसमें कट नहीं हुआ है, हाफ स्लीव्स होंगी और एक ही इसमें स्टिच होगी। और उसमें मैंने पूरा मेज़र बता दिया है, ये डाउन जो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, और मेज़रमेंट मैं एक बार टेलीग्राम पर भी डाल दूँगी, ठीक है। और हेलो स्नेहा गुप्ता मेल पे करो, रवीना फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं मैम। नेट फैब्रिक में आपको लाइनिंग चाहिए, ध्यान रहे नेट फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, बट लाइनिंग, और अगर आप स्पैगेटी वगैरह पहन रहे हो, नीचे शमीज़ है स्पैगेटी है, तो आई थिंक नेट भी चल जाएगा। स्पैगेटी तो पहनते ही है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लीव्स की पट्टी, हाँ स्लीव्स की पट्टी देख लीजिएगा, स्लीव्स की पट्टी नहीं लगाई है क्योंकि मेरे पास फैब्रिक नहीं बचा है एक्चुअली, सही मायनों में। अभी मैं इसमें दूसरे रंग का ही कोई यूज़ करूँगी। लाइव क्लास में यही तो प्रॉब्लम है, मैं अरेंज भी नहीं कर सकती हूँ, मैं कैमरा छोड़ करके अगर जाऊँगी तो मुझे बुटीक में ऊपर जाना पड़ेगा और मेरे पास मुझे वहाँ से कपड़ा निकालना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा था इसमें हो जाएगा बट हुआ नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको तैयार करके पूरा मेज़र करके पूरा फैब्रिक का, वैसे ये 1.5 मीटर फैब्रिक था मेरे पास, मैंने आपसे 2 मीटर कहा था, अगर आपके पास 2 मीटर फैब्रिक होगा तो इसमें जो स्लीव्स की पट्टियां हैं वो निकल आएंगी, इसमें जो टाई है वो निकल आएगी। और ध्यान रहे जो टाई आप कट करोगे ना वो क्रॉस लेंथ में कट करिएगा, ठीक है, ओरेबी जिसे कहते हैं, जैसे पाइपिंग कट करते हैं ना, जो टाई होती है ना वो ओरेबी कट होता है, किस तरीके से बनती है आपको वैसे ही बनाना है, उसको भी मैं बता दूंगी एक दिन बनाने का तरीका। और नीचे वाला जो है बेल्ट वो स्ट्रेट रहेगा और नीचे इस तरीके से बनेगा, बहुत सिंपल और बहुत सुंदर टॉप है। हाँ लेस यूज़ कर सकते हैं श्याना मुंग प्रिया, कल बनाना है आप लोगों को मेरे सामने बैठ करके बना लीजिए जितना बन पाए, क्योंकि आई थिंक ये इतना इजी कपड़ा अगर है तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बना लीजिएगा जितना बना पाए, कहीं प्रॉब्लम है तो मैं बता दूँगी। बट इट्स कंप्लीट, इतना ये कंप्लीट है। अब मुझे सुई से, अगर मशीन होती मैं पूरा इसको कंप्लीट कर देती, साइडों से इसमें यहाँ पे बो भी दे देती, और इसके अभी मैं मशीन नहीं यूज़ कर रही, मैंने सुई से यूज़ किया, निडल यूज़ किया, निडल एंड थ्रेड, तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया है। और सुमन लता साहू, हाय मैम मुझे आपके साथ काम करने हैं, सिलाई आज जाती है मैम, थैंक यू सुमन लता। और कुछ पूछना है, गूगल मीट पर कल लिंक डल जाएगा, 3 से 4 क्लास होगी, बहुत सारे बच्चे रह गए थे, जो 100 बच्चे पहले ज्वाइन कर लेंगे वो लकी हैं, बस 1 घंटा ही मैं कर पाऊँगी गाइज, क्योंकि बहुत सारे वर्क रहते हैं तो सॉल्व, बट लीव मत करिएगा। और ये फ्री है, फ्री 100 लोगों के लिए फ्री है गूगल मीट, और आप लोग 100 ही लोग आ सकते हैं एक टाइम में, तो गाइज
आई थिंक मुझे लग रहा है जो नहीं आ पा रहे सच में, वो थोड़ा सा मुझे खुद इस चीज़ का अफसोस हो रहा है, बट मैं कोशिश करूँगी कहीं ना कहीं टाइम दे सकूँ। बट आप लोग को भी थोड़ा सा ये चाहिए कि अगर एक जा रहा है एक घंटे बाद लीव हो जाओ, ये फिर दूसरे लोग बैठे रहते हैं ना, क्लास नहीं छोड़ते हैं बहुत सारे लोग, तो प्रॉब्लम होती है। तो यही है, 60 मिनट अभी भी हो गए हैं गाइज। हेलो फरजाना मोहम्मद मैम, ये वेस्ट लाइन तक रखना है या देखिए डिपेंड करता है, आप इसको क्रॉप टॉप भी बना सकते हो, और क्रॉप टॉप बना के तो माय गॉड ये बहुत ही अनबिलीवेबल, बहुत ही सुंदर लगेगा। क्रॉप टॉप अगर आपने पहना और नीचे लहंगा पहना, ये वाला टॉप अगर इसमें आपने करोगे ना, यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है आपके बहुत सुंदर सा, और आप नीचे से लहंगा डाले हुए हो, और ये यहाँ से आपकी जो स्लीव्स हैं इस पे थोड़ा सा गैदर्स अगर दे देंगे ना, माइंड ब्लोइंग लगने वाला है ये अगर आप इसको क्रॉप टॉप बनाएंगे तो। बट मैंने इसको इसका जो साइज़ रखा हिप लेवल तक रखा है जीन्स से पहनने के लिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ईला कोठिया मैम, छोटी बच्ची क्या बना सकते हैं? यस बना सकते हैं, छोटी बच्ची का ऐसे ही बनाइए, क्रॉप टॉप ऐसा बनाइए, लहंगा पर स्कर्ट पे लहंगे पे पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा गाइस। और मैम साइज़ में, ऑल साइज़ में, हाँ ऑल साइज़ में स्लीव डाउन 8 इंच, यस ऑल साइज़ में, बट देख लीजिएगा पतले दुबले हैं या हैवी हैं वो बाकी, आप उसमें एड ऑन एंड उसमें थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेस भी कर सकते हैं, आप उसमें एड ऑन भी कर सकते हैं, देख लीजिएगा साइज़ के अकॉर्डिंग। कैसे सेंड करेंगे टॉप बना करके? मैम आपको आज ही बनाकर दिखा दूँ? नहीं आज नहीं जैमी, आज नहीं, कल बनाएंगी आप। और चंचल शर्मा मैम, आई डोंट हैव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यू डोंट हैव मेजर टेप? और फ्रेंच कर, व्हाट डोंट यू हैव? APG मैम इलस्ट्रेशन कैसे सबमिट करूँ प्लीज़ बताओ। जैसे करते हैं आप इलस्ट्रेशन, आप कैसे करते हैं आप इंस्टाग्राम पर? बिलीव इन योर सेल्फ कैसे बनाएगा मैम? जूम पर लगा लो मीटिंग कल को। ना भैया ना, गूगल पे मीटिंग लगेगी, मीटिंग तो गूगल पे ही लगनी है। कृष्णा कुमारी इशरत अहमद, प्लीज़ मैम इंस्टा पर मैसेज देख लो। ओके देख लूँगी, डोंट क्राई, देख लूँगी बच्चों मुझे, डोंट। अतिया बानो हाई मैम, इंस्टा मैसेज देखना। ओके देख लूँगी। वर्षिका माली, प्राची मैम जूम पर 1000 लोग हैं, संता है लोग हैं, पता नहीं क्या। गोमल नेवान मैम, हम कल वाले इलस्ट्रेशन टॉप बनाने का क्या? नहीं ये नया डिज़ाइन है, ये ड्रेस मेकिंग है, इलस्ट्रेशन भूल जाओ, वो सब्जेक्ट ख़त्म, अब ये ड्रेस मेकिंग है। इसमें ये सिखाया मैंने आपको, राइट मैम। गूगल मीट कैसे ज्वाइन करूँ? हाँ भैया ये तो बड़ा क्वेश्चन है, गूगल मीट टेलीग्राम पे चले जाओ, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा अगर आप लग के रहे तो। मैम शोल्डर से समझ नहीं आया, कल पूछना, कल बताऊंगी। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। रिधाव रिधाव कुगाशिया मैम, कल के विनर? कोई नहीं है कल के विनर, मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ कल के विनर। आप लोग पार्टिसिपेंट हैं। और रजनी दुबे मैम, आपको जब भी टाइम मिले हमारा भी इंस्टा पर देख लीजिएगा। रजनी दुबे, ओके देख लूँगी। ओके शशिकला, मीट तो होता ही नहीं है शशिकला, इतनी दूर रहती हो नेपाल में, कैसे मीट होगी? आगरा आ जाओ। अफशान मैम, जो ज्वाइन नहीं कर पाए उनकी पिक सेंड कर दो आपको। हाँ जो ज्वाइन नहीं कर पाए वो पिक सेंड कर दीजिए। कुशवाने मेरी भी सुनो, हाँ सुनाओ ख्वाहिश, क्या सुनाना चाहते हैं? हरप्रीत कौर, माइक बंद करवा देना मैम प्लीज़ माइक बंद। ओके हाँ सुन लो भाई, हरप्रीत ने बहुत अच्छा
अच्छा क्वेश्चन किया है कोई, सब लोग मैम 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 मेरा मैम मेरा 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 मेरा। वो देखिए फाइंडिंग नीमो, उसमें वो देखे हैं वो बर्ड्स होते हैं माइन 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 माइन। मुझे वही वाला फाइंडिंग नीमो वाला ध्यान में आ रहा था, मेरा मेरा माइन 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 माइन। ओ माय गॉड, प्लीज़ अपने माइक को बंद रखिएगा, और जिसका नाम लूँगी ना सिर्फ वही बात करेगा। और अगर अगर कल किसी ने माइक खोल लिया मेरी परमिशन के बगैर तो क्लास कैंसिल, मैं क्लास से लीव कर जाऊंगी, मैं कर जाऊंगी लीव, या तुम लोग कर जाना या मैं कर जाऊंगी। माइक नहीं खोलना, अगर क्लास करानी है ढंग से तो माइक बंद करके रखना, जिसका नाम लूंगी सिर्फ वही अपना अपना माइक ऑन करेगा, सोच लेना। नहीं तो फाइंडिंग नीमो वाली फीलिंग मुझे नहीं आनी चाहिए, माइन 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 भाई। ओ माई गॉड, पुष्पा शर्मा मैम 2 साल के बच्चे के लिए आर्म होल कितना रखना है? 2 साल के बच्चे का आप ये आर्म होल इसको मेज़र कर लीजिए पुष्पा शर्मा, उसके जो ये पूरा अराउंड है ना आर्म होल अराउंड, उसको मेज़र कर लीजिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रखिए। उसमें से आप 4 इंचेस 5 इंचेस लूजिंग दे दीजिएगा जितना डाउन है, बच्चे की मेज़रमेंट अलग होगी। टैलेंट है मैम सिल क्या है, स्लीव पर नेट लगा लूँ? हाँ लगा लीजिए, स्लीव पर नेट लगा लीजिए, आप इसमें कितने क्रिएटिविटी दिखा सकती हैं वो आपके लिए है। फरजाना यस मैम, 5 साल के बच्चे का नेक विड्थ कितनी होनी चाहिए? 5 साल के बच्चे के बॉडी ग्रोथ पर डिपेंड करता है फरजाना, बच्चा कैसा है, बच्चा मतलब बच्ची, अगर बच्ची का बना रहे हो तो बच्ची की हेल्थ पर डिपेंड करता है। 3, 3.5, 3 इतना ही रहता है, और उसमें जो मैंने बताया ना यहाँ से, तो वन जो उसकी ब्रॉडनेस रहेगी एंड जो डेप्थ रहेगी आई थिंक 3 या 3 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक कर सकते हो बच्चे का, वी शेप का कर सकते हो, बट अगर राउंड नेक है वो 3 इंच में डेप्थ जाएगी उसकी, और ये आपका 2 इंचेस रहेगा जो 5 साल का बच्चा है, यहाँ से जो शोल्डर नेक का है वो। हेलो मैम, मैं भी आपसे सीखना चाहती हूँ बट मैं रहेगा हाथ इश्यू की मुझे से क्या है मैम कल अयान पश्चिम। ओके, कल सब लोग अपने अपने माइक को ऑफ रखिएगा अगर सीखना है तो मुझे भी लगे हाँ बच्चे सीखना चाह रहे हैं, मुझे एक क्लास और ले लेनी चाहिए। आप तो भाई ऐसे लग रहा है मैंने क्लास लेके गलती कर दी कुछ, इतना चिल्लाते हैं, लग रहा है मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रही हूँ और डंडे लेकर के हाथ से स्केल लेके पिटाई लगवाना चाह रहे हो, बिल्कुल ऐसे लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं ना, वही वाली फीलिंग आ रही थी कल। लॉन्ग टॉप स्टिच कर सकते हैं कि? हाँ, वो आप लॉन्ग शॉर्ट्स क्रॉप टॉप, इसके साइज़ आप पे डिपेंड है, लेंथ आप पे डिपेंड है, ब्रॉडनेस आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड है, कितने इतने हैं आप या इतने हैं, इतने हैं आप या इतने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अपना मेज़र, अपना मेज़र के अकॉर्डिंग, बट डिज़ाइन ये रहेगा, कटिंग कैसे होगी वो मैंने बता दिया है कहाँ पे क्या रखना है। नॉडी, नॉडी आ गया नॉडी, आप कहाँ रहती हो? मैं आगरा में रहती हूँ मैम, मैं अपनी नाप की बना लूँ? हाँ ज़रा नाप बना लो आप कितनी बड़ी हो, छोटी सी हो ना बच्ची, मम्मी से बोलिएगा आप अपनी मम्मी से बनवाइएगा हर प्रे, या आप बना लीजिएगा, कोशिश करिए आप भी बना लेंगी। सही बात है मैम, हरप्रीत कौर वेरी गुड, शशिकला उपाध्याय बड़ी रिलैक्स फील कर रही हैं, गुड। शानमुख प्रिया, टुमारो ओनली वी हैव टू कट द फैब्रिक? नो, टुमारो यू विल स्टिच ड्रेस एंड कटिंग, स्टिच एंड कटिंग बोथ। युवा आर्ट्स मैम, मैम मशीन यूज़, हाँ मशीन यूज़ कर लीजिएगा, मशीन यूज़। पिंकी शर्मा मैम थोड़ा चेंज कर सकती हूँ ना, अब इसमें टाई मैं देखना चाह रही हूँ आप लोग कैसे लगाएंगे, क्योंकि मैं अभी अभी डालने वाली हूँ ना टाई लगा करके और नीचे लगा के, आप बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अपना डिज़ाइन करना चाह रहे तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको ये सही लग रहा तो ये बना लो, कोई इशू नहीं है, बट कल की क्लास में मैं आपकी क्रिएटिविटी देखना चाह रही हूँ फैब्रिक को लेकर। मैम मुझे नेक फिनिशिंग देखनी है, नेक फिनिशिंग मैं अभी डालूँगी ना इसको मशीन से करके डालूँगी ना, ये सही से अभी तो कच्चा किया हुआ है ना मैंने, इस तरीके से देखिए मैं आपको दिखा दूँ, पहले तो आप ये वाली एक लाइन इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ सिर्फ, ये ऐसे
और फिर इसको पलट करके वापस इसी पट्टी को अंदर दबा दिया जाएगा तो ये छुप जाएगा। ये टाई इस तरीके से बन जाएगी, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से फिनिश हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। लाइव स्टूडेंट मैम 22 कटिंग होगा, राइट 22 कटिंग होगा, 22 लेंथ में रखना है आपको, जो कटिंग होता है ना जैसे और ये भी कट होता है, मतलब 22 कटिंग कैसे होता है मैं आपको दिखा दूं, जैसे 22 कटिंग ऐसे होता है, जब आप टाई के लिए कट करेंगे, देखिए ये आपका फैब्रिक है, सपोज दैट दिस इज़ फैब्रिक, ठीक है। अब इसको आप ये वाला कॉर्नर, दिस कॉर्नर, इसको इस तरीके से, ठीक है, ये दिस इज़ कॉल्ड 22 लेंथ, इसके मिड में जो आ रही है, क्योंकि 22 लेंथ क्यों कहलाती है, यहाँ से इस तरीके से अच्छे से जब हम 22 लेंथ रखते हैं ना, तो इसको यहाँ से अच्छे से ये खींचता है, और टाई भी आपने देखा होगा उसकी भी कटिंग जो है 22 लेंथ में ही होती है, और इसको इस तरीके से रख करके आपको कितना चौड़ा गले में टाई लगानी है, जैसे 2 इंच की रखनी है तो 4 इंच की आपको लेंथ कट करनी पड़ेगी, ये इस तरीके से यहाँ से आपको ये पूरा, और इसको ज्वाइन कैसे करते हैं, इसको भी ज्वाइन करने का तरीका होता है लाइक दिस, मैं आपको दिखा दूँ काट करके, अपोजिट डायरेक्शन में रख के ज्वाइन किया जाता है, राइट हरप्रीत, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में रख करके इसको हम, ये देखिए इस तरीके से कट करते हैं, पहले मिड से हो गया, इसको 22 लेंथ बोलते हैं, ये वाला कॉर्नर ये इस तरीके से रख करके ऐसे, ये देख रहे होंगे आप लोग इस तरीके से, ये स्ट्रेट हो जाता है लाइन, अपोजिट डायरेक्शन में बोथ कॉर्नर इसको अटैच कर दिया जाता है, राइट, तो ये इस तरीके से बन जाता है ये 22 लेंथ, और ये बहुत, इसमें जो गले में पाइपिंग लगाई जाती है ये भी ऐसे ही लगाई जाती है, हरप्रीत कौर, और इंस्टा आईडी में मेरा भेजो, हेलो मैम मैं मज़ेदार कौर नाउ, ओके ज्वाइन कर लीजिए जेवी फैशन वर्ल्ड, हेलो मैम कल क्या मटेरियल चाहिए जेवी फैशन वर्ल्ड, कल आपको बस ये जो मैंने लिस्ट पड़ी हुई है उस पर देख लीजिएगा आप, जो मशीन लेके करना चाहे मशीन, और जो निडल यूज़ करना चाहे वो निडल यूज़ कर सकते हैं, नो इशू, आयान फैशमैन नंदिता सरकार, मैम कैन आई मेक एनी क्लोथ मारो, एनी क्लोथ से मतलब तो फिर यही हो जाएगा ना, फिर आप आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हो, यू कैन मेड एनी क्लोथ, बट मैंने आपको कुछ नया सिखाया है कुछ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बनाना चाह रहे तो बना लो, मैं फोर्स नहीं करूँगी कि आप यही बनाओ, आपके माइंड में उससे, अगर आप अपना कुछ करना चाह रहे हो कर लो, कोई बात नहीं, बट कुछ क्रिएटिविटी थोड़ा सा अलग होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बना लो अगर चाह रहे हो तो। चंचल शर्मा मैं कल का वर्क मेल कर, हाँ चंचल मैंने देखा है, बहुत अच्छा वर्क था आपका, नाइस वर्क, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा वर्क किया है। पंकज चौधरी एक रिक्वेस्ट है, जो रो रहा है या रो रही है उन सभी को रिप्लाई दे देना मैम, ज़रूर ज़रूर, कौन रो रहा है पंकज, देखे ज़रा कौन रो रहा है, एक्चुअली आज बच्चों मुझे, मैं इतनी थकी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है बहुत, मैं बट मेरा आज क्लास लेने का मन नहीं था, मैं सोच रही थी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी बट मैं नहीं कर पाई, बट आप लोग से प्रॉमिस किया था ना इसलिए, अब बस मैं क्लास ओवर होती मैं जा रही हूँ, बस सोने जा रही हूँ बस फ्री होके गाइस एक कॉफ़ी पीऊँगी, चाय पी, कॉफ़ी या चाय में से दोनों में से एक, और उसके बाद मैं अपना सोने वाली हूँ 4-5 घंटा, नींद आ रही है। यस ऑनलाइन इलस्ट्रेशन क्लास कैसे ज्वाइन करें, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अब मैं जाऊँ बच्चों, बहुत हो गया, आई थिंक समझ में आ गया, इतना मैंने आइडियाज़ दे दिए, आप बहुत बहुत देर हो गई गाइस,
मैम टॉप कब रेडी करोगे? हाँ टॉप, ये तो रेखा, ये तो टॉप कब रेडी करूँगी, पहले टॉप रेडी कर लेती हूँ, वो तो आधा घंटे में हो जाएगा, उसके बाद सोना है फिर उसके बाद। ये तो सही कह रही हो। फैशन डिज़ाइनिंग स्केच मैम आपकी मेल आईडी बताइए। मिर्ज़ा निशात 9, वो मेरा उस पर पड़ा हुआ है अबाउट सेशन में, आप वहाँ देख लीजिए। कॉफ़ी से नींद उड़ जाएगी, अरे हरप्रीत यस, कॉफ़ी से नींद उड़ जाएगी तो क्या करूँ फिर, चलो यही बनाती हूँ, इसको बनाते बनाते नींद आ जाएगी। ओके थैंक यू सो मच, टेक केयर, टेक केयर, थैंक यू वाइट डेविल, आई हैव प्रॉब्लम मेकिंग मी टॉप बट आई एम हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद गूगल जॉइनिंग मी, आई विल। सोनिया करदम आईडी क्या है? अबाउट सेशन में मेरी आईडी पढ़िए, देख लीजिए, भेज दीजिए। शशिकला बाद मैम ड्रेस तो अच्छी है बट क्लास ज्वाइन तो होना। थैंक यू अतिया बानो जराना। बच्चों लेट मी गो नाउ, क्लास ओवर करते हैं गाइस। ओके बाय बाय, टेक केयर। बाय।